सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रजिस्टर और कैपेसिटर जैसा ही सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो आज हम लोग सेल के कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और उसमें भी एक टर्म लिखा हुआ है, नॉन आइडेंटिकल सेल की बात करें। ऐसा है कि नॉन आइडेंटिकल सेल तब हम बोलेंगे जब उसके EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हों। जैसे दो सेल हमारे पास हैं, अगर एक का EMF E1, दूसरे का E2, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2 हो, तो ये सेल्स नॉन आइडेंटिकल बोले जाएंगे, नॉन आइडेंटिकल सेल के सीरीज कम्बिनेशन। अच्छा, जैसा कि आपको पहले से मालूम है, सीरीज में तब बोले जाते हैं जब कोई भी कंपोनेंट एंड टू एंड कनेक्टेड हो, इनफैक्ट एक ही पाथ में डिफरेंट पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो, जैसा कि आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो सीरीज की एक खासियत होती है कि एक ही करंट, सेम करंट सभी कंपोनेंट से फ्लो करता है, यानी यहाँ पर करंट I फ्लो करेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा था एक रिलेशन पिछले वीडियो में कि V इज इक्वल टू E-IR, जहाँ पर V पोटेंशियल ना होकर के पोटेंशियल डिफरेंस था। तो यहाँ पर अगर हम A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, VA-VB इज इक्वल टू, यहाँ पर EMF E1 है तो हम यहाँ पर E1 माइनस करंट तो I, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है तो R1 लिखेंगे। उसी तरह से अगर B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो हमारे पास यहाँ पर EMF E2 है तो यहाँ E2 होगा और ये R2, तो माइनस I इंटू R2। चलिए दोनों को ऐड कर दिया जाए। ऐड करने के बाद क्या होगा, ये माइनस VB और प्लस VB कैंसिल हो जाएगा, यानी VA-VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। जैसा आप पहले भी करते आए हो, जो भी कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन आपने देखा, कैपेसिटर या रजिस्टर, उसका इक्विवेलेंट सबको हटा करके सिंगल यूज करने की टेंडेंसी थी। तो अगर हम सबको हटा करके सिंगल सेल इक्विवेलेंट का और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट का यूज करें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से हो जाएगा। और अगर ये सर्किट हमें मिल गया तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या होगा, देखिए ये कनेक्टेड जो है इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट ए एंड सी पॉइंट के बीच में है, तो इसी फॉर्मूले के पैटर्न पे हम VA-VC यहाँ पर, बिकॉज वही करंट तो यहाँ भी पास हो रहा है, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E equivalent - I into R equivalent। ये इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, दोनों के लेफ्ट साइड सेम है, आप कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करके आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, वो ध्यान दें 1 and 2। जैसे यहाँ पर R equivalent इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और उसी तरह से E equivalent इज इक्वल टू आपके पास E1 प्लस E2 मिल जाएगा। लेकिन ये तो बात हुई जब आपने दो सेल कनेक्ट किया था। अगर आप दो से ज़्यादा सेल कनेक्ट करते तो इन जनरल ये फॉर्मूला क्या हो जाता, इन जनरल हम इसको n टर्म्स तक एक्सटेंड कर देते, तो यहाँ पर प्लस Rn और यहाँ पर प्लस ये कहाँ तक, En तक हो जाता। यहाँ देख करके आपको ये अंदाज़ा हो गया कि सीरीज कम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस होता है, और वही हाल है EMF का भी, टोटल EMF, नेट EMF या इक्विवेलेंट EMF सभी EMF का सम होता है। ओके, अभी यहाँ तक डिस्कस करने के बाद से एक और बात यहाँ पर डिस्कस आपसे कर लेनी थी। मान लिया जाए कि ये जो सेल होते, ओके, इसके पोलरिटी अपोजिट होते, ठीक है, पोलरिटी अपोजिट होने का मतलब कुछ इस तरह से होता। अगर इस तरह का पोलरिटी मिलता तो देखिए, पोलरिटी अपोजिट होने की वजह से आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ता, फाइनल रिजल्ट में यहाँ पर माइनस करना पड़ता, तो EMF माइनस होता, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंसेस, आप जानते हैं रेजिस्टेंसेस के कोई पोलरिटी नहीं होते, इसीलिए वहाँ पर कोई चेंज नहीं, रेजिस्टेंस तो हमेशा सम ही होगा, यहाँ पर केवल डिफरेंस हो गया बिकॉज पोलरिटी अपोजिट हो गया है। तो ऐसे हालात भी क्वेश्चन में आएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना है। अभी ऐसा है कि हम लोग नॉन आइडेंटिकल के बजाय आइडेंटिकल की बात करें, जब आइडेंटिकल की बात करेंगे तो E1 E2 नहीं रहेगा, R1 R2 नहीं रहेगा, सब सेम सेल,
बाज़ार से एक ही तरह का सेल आप तीन चार खरीद के लाए और उसको ज्वाइन कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो आप। तो वैसे केस में अगर हम ई इक्विवेलेंट की बात करें, ठीक है, यहाँ पर ई इक्विवेलेंट की बात करें तो हमारे पास ई प्लस डॉट 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 ई कितने बार, एन टाइम्स, अगर एन आपने यूज किया है तो, और भी आगे तक हम ले सकते हैं, तीन दो ही नहीं है ना, और भी आप ले लीजिए यहाँ पर सर्किट में डॉट डॉट करके ऐसा, और तब ऐसे केस में ए वन है, ए टू है, ओके, और इस तरह से ये एनथ है, ओके, एन टाइम्स, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा इक्विवेलेंट। चलिए ये मालूम हो गया। अभी सेम होगा आर इक्विवेलेंट के साथ भी, वो भी आर आर ऐड करते चलेंगे कितनी बार, तो यहाँ भी एन टाइम्स, और जब आप इसको एन टाइम्स ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन आर। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अभी आप चाहते हैं कि इससे करंट ऑब्टेन करना, तो करंट ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, एक बाहर से रेजिस्टेंस, जैसा कि आपको मालूम है जब रेजिस्टेंस को क्लोज करना होता था तो सेल से, और जब सेल को क्लोज करना है तो रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक क्लोज सेल में दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, एक सोर्स भी और दूसरा कंज्यूमर भी। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो अभी जो फाइनली हमारे पास यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा एकदम एग्जैक्टली, और तब यहाँ पर आर, ओके, और यहाँ पर अब अगर हम आई की बात करें, जैसे आपने याद होगा कि आई इज इक्वल टू पिछले बार सिंगल सेल वाले से ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर लिखा था, यहाँ पर उसी तरह से ई के जगह पर सिंगल सेल है इक्विवेलेंट, और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट है, आर प्लस आर इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं हम, वैल्यू क्या दे सकते हैं इसका, एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर, ये नोट करते चलेंगे। ये आपको सीरीज कम्बिनेशन के कारण करंट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशंस बन सकते हैं, सिचुएशन दो क्या बन सकता है, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर हो एन आर से, और ऐसा कब होगा, जब सेल इज फुली चार्ज, सेल इज फुली चार्ज्ड, फुली चार्ज सेल में ऐसा आएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। ऐसे केस में आप जब R प्लस एन आर लिखेंगे तो वो भी नियरली इक्वल टू R हो जाएगा, और I इज इक्वल टू तब एन ई डिवाइडेड बाय R, यानी N इंटू करेंट ड्यू टू सिंगल सेल, सिंगल सेल से जितना करंट आएगा उसका n टाइम्स करंट आएगा पहला केस में। और दूसरे केस की बात करें, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब r इज मच स्मॉलर देन r, तब ये कब आएगा, जब सेल है ना इज फुल्ली डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। तो वैसे केस में आप देखिए r प्लस एन आर ये नियरली इक्वल टू एन आर ही होगा, और ऐसे केस में आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन आर, यहाँ पर एन कैंसिल हो जाएगा, केवल ई बाय आर, ये करंट ड्यू टू सिंगल सेल आएगा, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अब बहुत सारे सेल यूज करके कोई नहीं चाहेगा, बहुत सारे सेल यूज करके कोई नहीं चाहेगा कि करंट ड्यू टू सिंगल सेल मिले, इसीलिए जब फुल्ली डिस्चार्ज है सेल तब कभी भी आप उसको सीरीज में कंबाइन मत कीजिए, उसको सीरीज में कंबाइन मत कीजिए। आगे चल के सीखेंगे कि उसको पैरेलल में कंबाइन करने से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर सेल फुली चार्ज है तभी उसको है ना सीरीज में कंबाइन कीजिए, वो आपको करंट एन टाइम्स बना करके देगा। तो होपफुली सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल आपको आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल दोनों का क्लियरली समझ में आया गया होगा। Thank you. Have a nice day.